आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल में प्रोटेक्शन मेथड की कि किस तरह से एक्सेल के अंदर में हम पासवर्ड वगैरह फिक्स करेंगे। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी का सबका ये होता है कि सिक्योर हो हमारा हर एक डेटा हर एक सिस्टम, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं सीट प्रोटेक्शन के बारे में बात करूंगा। मेरा सीट दिख रहा है, मैं चाहता हूं कि इस सीट पे कोई भी पर्सन किसी भी तरह की एंट्री ना कर सके। जस्ट मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इस पे किसी भी तरह का डेटा एंट्री ना कर सके, चेंज ना कर सके। तो उस केस में हम राइट क्लिक करके जाएंगे और जाएंगे प्रोटेक्ट सीट पे और यहां हम अपना पासवर्ड डालेंगे। हाँ भैया, पापा को ना स्टार्ट करना क्लास में। हाँ तो यहां जो है हमारा पासवर्ड को कंफर्म करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट किसी भी तरह से पासवर्ड रिकवर करने का प्रॉमिस नहीं करता है। हालांकि कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जो दावा करती है कि पासवर्ड रिकवर कर देगा, लेकिन वो डिपेंड करता है पासवर्ड के ऊपर। आपका पासवर्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपका पासवर्ड में जिसमें अल्फा न्यूमेरिक इस तरह की चीजें डली हुई है तो रिकवर नहीं होगा, ठीक है ना, और रिकवर में काफी टाइम लेगा। सो पासवर्ड डालने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपना पासवर्ड भूले ना। फिर मैं पासवर्ड को कंफर्म करता हूं, देन ओके। अब देखिए कि मैं कहीं भी किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता। फिर से बताएंगे मतलब ये मिस करा, फिर से एक बार समझाइए स्टार्टिंग में कैसे आपने स्टार्ट किया। हाँ देखिए बेसिकली मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह का चेंजिंग ना कर सके डेटा में। जैसे मान लीजिए 16 है तो 160 जैसे कोई कर देगा ना, इस तरह से चेंजिंग ना कर सके। तो उसके लिए सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे और यहां पे हम पासवर्ड डालेंगे। फिर पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोलेगा, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पासवर्ड रिकवर नहीं होगा अगर भूल जाते हैं तो। फिर ओके कीजिए। अब मैं इसमें मैं किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, लेकिन डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी और जगह पर डाल सकता। सो नाउ हमने एक चैलेंज को तो पूरा किया कि हम इसमें डेटा एंट्री नहीं कर सकते। अब दूसरा रहता है कि कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी भी ना कर सके। अब यहां पे एक आता है कि कॉपी जो है नॉट ए पार्ट ऑफ द एक्सेल, कॉपी विंडो का पार्ट है क्योंकि क्लिपबोर्ड विंडोज का सिस्टम है, तो कॉपी को आप नहीं रोक सकते। तो दूसरा इसमें दूसरे तरीके से सोचना होगा कि कॉपी के लिए जरूरत क्या है, जिसके बगैर कॉपी नहीं हो सकता उसको जरूरत क्या है। वो है सिलेक्शन, कि बगैर डेटा को सिलेक्ट किए हुए कॉपी तो नहीं कर सकते। तो फिर हम राइट क्लिक करके जाएं, हम अनप्रोटेक्ट करते हैं इस पे वापस, और राइट क्लिक करके जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो यहां पे बहुत सारे चेकबॉक्स हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, कि यूजर जो है पासवर्ड देने के बाद क्या क्या कर सकता है। जैसे कि मैं अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके पासवर्ड डाल दूं तो डेटा चेंज तो नहीं कर सकता, बट डू फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट कॉलम या इंसर्ट रो, इंसर्ट डिलीट या सॉर्टिंग। तो आप इसमें परमिशन दे सकते हैं कि आफ्टर दी प्रोटेक्शन जो भी फाइल को यूज करेगा वो क्या क्या कर सकता है, जिस भी चेकबॉक्स पे टिक लगा है वो सारा कर सकता है, जिस पे टिक नहीं लगा है वो सारा नहीं कर सकता, राइट। ओके तो इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट है सिलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, सिलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। इसका मतलब ये हुआ
कि जो अब लॉक अनलॉक क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जानते हैं कि भाई सिलेक्शन कर सकता है किसी पर्टिकुलर सेल की। तो मैं सिलेक्शन की यहां से हटा देता हूं, हटा दिया, देन पासवर्ड डाल के मैं ओके करता हूं। मैं पासवर्ड नहीं डाला बट आप लोग पासवर्ड डाल दीजिए। अब देखिए मैं कहीं पे क्लिक भी नहीं कर सकता, जहीं कहीं पे क्लिक नहीं कर सकता तो अगर कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो एक सिंगल सेल कॉपी होगा। तो आप पासवर्ड डालने से पहले कोई ब्लैंक सेल पे कर्सर रख दीजिए ताकि कॉपी करेगा तो ब्लैंक सेल ही कॉपी होगा ना। तो सौभिक जी एंड नायर जी समझ में आ गया कि किसी सेल के कॉपी को डिसेबल कैसे करेंगे? जी 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 यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइल को भी मतलब जैसे पूरी शीट को प्रोटेक्ट करने बताते के लिए हैं और वन बाय वन बताते हैं सर। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा भी होता है और चटपटा भी होता है। जनरली अपन मोरली इसके ऊपर काम किए हैं कि फाइल आती है प्रोटेक्टेड फाइल तो ऊपर से ही हो जाती है भाई। हाँ जी, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर कर। मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो सीट है वो प्रोटेक्ट रहे बट पर्टिकुलर एरिया प्रोटेक्शन से बाहर, बात समझे? अच्छा, मॉडिफाई कर सकते हैं वाली शीट को, बाकी को नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो येलो एरिया है इसमें कुछ भी टाइप करूँ और रेस्ट ऑफ द येलो एरिया पे टाइप करने जाऊं तो टाइप ना कर पाऊं, ठीक है? तो देखिए इसके लिए क्या है कि जब आप प्रोटेक्शन देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। इससे पहले भी हम लॉक अनलॉक के बारे में जिक्र किए, तो चलिए समझते हैं कि लॉक और अनलॉक क्या होता है, ठीक है? हर एक सेल जिसमें राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, हर एक सेल के राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आपको यहां प्रोटेक्शन वाले टाइप में लॉक और हिडन होता है। तो लॉक मतलब कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन वाली पार्टी में है, समझे? अगर जैसे अनचेक कर दूंगा मतलब प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट कॉल अनलॉक सेल। तो बाय डिफॉल्ट तो हर सेल प्रोटेक्ट होता ही है, तो क्यों लॉक्ड होता ही है सॉरी। तो हम जो एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना है मतलब कि अनलॉक्ड करना है, उसको यहां से अनचेक करके ओके कर दे। अब क्या है कि रेस्ट ऑफ द येलो एरिया लॉक्ड सेल है, प्रॉपर्टी उसकी लॉक्ड है और इसकी प्रॉपर्टी अनलॉक्ड है। और जब हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो पासवर्ड में क्लियरली मेंशन है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। ओके ओके कीजिए। अब यहां पे हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते बट यहां टाइप कर सकते। तो सौभिक जी या नायर जी ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। आगे बढ़ते अब मैं इसी का उल्टा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा सीट मेरा लॉक्ड हो, सॉरी पूरी की पूरी सीट हमारी अनलॉक्ड हो, सिर्फ रेड एरिया लॉक्ड हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक सेल का प्रॉपर्टी लॉक्ड होता है, तो हम पूरे सीट को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और इसकी लॉक को हटा दिया। अब अभी क्या है कि इंक्लूडिंग रेड एरिया हम अगर लॉक अनलॉक हो गया, अगर हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो हर सेल पे हम टाइप कर सकते हैं। तो वापस हम इस रेड एरिया को क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में इस पे लॉक लगा देंगे। अब इस पे हम पासवर्ड डालते हैं। अब यहां टाइप कर सकता हूं बट यहां नहीं कर सकता। लेकिन अब ये तो दो एग्जांपल मैंने बताया, अब बात होती है इसकी हमारे ऑफिस में यूज की, क्योंकि ये तो चीजें सीख लिए तो गूगल भी आपको सिखा देगा। लेकिन अब हम अपने ऑफिस में इसका यूटिलाइज किस तरह से करेंगे, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, शायद इस तरह के एग्जांपल आपके कंपनी में काम आ सके। जैसे मान लीजिए मैं एक डेटा एंट्री करवाता हूं, नेम हो गई, क्वांटिटी हो गई, एमआरपी, यहां पे अमाउंट, जीएसटी, कमीशन, फिर टोटल,
डेट एंड टाइम, ये छोटा सा हमने बनाया। अभी क्या है कि जो अमाउंट है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, और जो जीएसटी है वो अमाउंट का 18% है और कमीशन जो है 2%, और ये टोटल इसका लग गया। अब क्या है कि ये जो फील्ड है डी से लेके जी तक एक कैलकुलेटेड, मैं यहां पे लिखता हूं पूजा या, अब देखो ये कैलकुलेट हो गया। अब मुझे डेट एंड टाइम डालने के लिए यहां ना होता है, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं एमआरपी डालूं मेरा कर्सर डायरेक्टली उठ के यहां पे चला जाए, मतलब कि मैं मुझे जिस जिस फील्ड में टाइप करना है सिर्फ उसी फील्ड में मैं कर्सर को मूव कर सकूं, जिस फील्ड में हमें टाइप नहीं करना है उस पर हमारा कर्सर ना जाए। ओके तो हमने क्या किया, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, वो टैक्स सीट अनलॉक कर दिया, और जो भी फॉर्मूला वाला एरिया है जिसपे कर्सर मुझे नहीं ले जाना है उस पर राइट क्लिक किया और उसको कर दिया लॉक। फिर जब मैं उसको पासवर्ड अप्लाई किया तो पासवर्ड में क्या है कि सिलेक्शन की दो है, एक लॉक सेल एक अनलॉक सेल, तो मैं क्या करता हूं कि लॉक सेल को अनचेक कर देता हूं। जो लॉक सेल है जो कि है डी ई एफ जी, इस पे मेरा सिलेक्शन का जो परमिशन है वो परमिशन को हटा दिया, सिर्फ मैंने बोला इसके अलावा बाकी पे हमारा जो अनलॉक सेल है उस पे परमिशन हो। ओके किया। अब देखिए, अब मैं यहां पे लिखता हूं एम ओम 30 35, और जैसे टैब मारूंगा कर्सर वहां है। अब क्या है, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक पीस के अंदर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है वो भी पता नहीं चलेगा और टाइपिंग में भी हमें आसानी होगी। जैसे इंटरनेट पे हम फॉर्म भरते हैं तो टैब मारते ही क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, एक और एग्जांपल देखिए इसका, मैं यहां नेम है रॉज और यहां पे मार्क्स, okay. मैं चाहता हूं जब मैं यहां पे कोई नाम लिखूं एंटर प्रेस करूं तो कर्सर नीचे ना आए, कर्सर डायरेक्ट यहां पे जंप करे, फिर यहां पे जंप करे, मतलब इन तीनों के अलावा मैं कहीं सिलेक्शन ही नहीं कर सकूं और कहीं टाइप भी ना कर सकूं। तो इसमें टाइप कर सके इसलिए सबसे पहले इसको हमने फॉर्मेट सेल में जाके अनलॉक कर दिया, और उसके बाद हम इसमें प्रोटेक्ट शीट में अगर हम यहाँ पासवर्ड देते हैं तो यहां हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर देंगे। अब देखिए कर्सर बाय डिफॉल्ट ऊपर चला गया। अब मैं यहां पे नेम टाइप किया और जैसे एंटर प्रेस करूंगा कर्सर नीचे नहीं रोल वाले के रोल नंबर के जो अगली जो सेल है जहां पे मैं टाइप करना है जो एलोड है वहां पे चला गया। तो विजीत जी समझ में आया आपको, एक बार थोड़ा सा समझाइए। मेरे ख्याल से पहले आपने अनलॉक किया फिर लॉक किया ना, यही किया ना उसको, जिस एरिया में टाइप करना है उसको अनलॉक कर दिया। ओके बस उसके बाद जब आप पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो वहां पे लॉक सेल वाली जो परमिशन है उसको हटा दी, सिंपल। अच्छा, जहां जहां आपको टाइप करना है वहां वहां अनलॉक करेंगे और पासवर्ड डालते समय सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर दें। ठीक है, ऑटोमेटिकली वही आएगा वो। जी आपको समझ में आया सौभिक जी? यस सर। ओके, अब अगले जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर हम बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक में हमें चाहते हैं कि एक ही सीट के ऊपर दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग पासवर्ड, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए का एरिया है और मिस्टर बी का एरिया, मैं चाहता हूं कि जो इस फाइल को मिस्टर बी खोले तो मिस्टर ए पे टाइप न कर सके और मिस्टर ए खोले तो मिस्टर बी पे टाइप न कर सके। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मिस्टर ए के लिए मैं अलग पासवर्ड रखना चाहता हूँ और मिस्टर बी के लिए अलग पासवर्ड रखना चाहता हूँ और बाकी सीट के लिए मैं अलग पासवर्ड रखना चाहता हूँ, मैं तीन पासवर्ड।
इसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू टाइप के अंदर अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज रिव्यू टाइप के अंदर है, फिर न्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ न्यू दिख रहा है, न्यू पे क्लिक कीजिए। रेंज वन नाम अगर चेंज करना चाहते हैं कि मिस्टर ए, तो नाम दे सकते हैं, बना रेंज वन भी रहेगा, और यहां से अपना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जो एरिया मिस्टर ए का है, और मिस्टर ए के लिए जो आपने पासवर्ड डिसाइड किया है वो पासवर्ड डाल दीजिए, देन पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, देन ओके। फिर वापस न्यू पे आइए और मिस्टर बी का नाम मिस्टर बी कर दीजिए अगर चाहते हैं तो। सर फिर से बताइए ना, ये फिर से बताए। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ आ गया सर। तो आपको जाना है रिव्यू टैब में, रिव्यू जो टैब होता है उस टैब में जाना है, ठीक है? रिव्यू टैब में ऑप्शन मिलेगा अलाउ एडिट रेंज, दिखा, अलाउ एडिट रेंज पे जब जाएंगे तो आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप नाम चेंज करें तो नाम चेंज कर दे, और जो पहला जो आपका एरिया है जो कि आप मिस्टर ए को देना चाहते हैं वो एरिया को सिलेक्ट करके उसके लिए यहाँ एक पासवर्ड डिसाइड कर लीजिए। फिर जैसे ओके करेंगे आपसे पासवर्ड कंफर्म पूछेगा, आप कंफर्म कर दीजिए पासवर्ड, फिर ओके कीजिए, फिर वापस आप न्यू पे क्लिक करेंगे और मिस्टर बी का नाम डिफाइन कीजिए और मिस्टर बी का एरिया सेलेक्ट कीजिए, जो एरिया जहां पे मिस्टर बी टाइप करेंगे, और मिस्टर बी के लिए एक अलग पासवर्ड चूज कर लीजिए जो मिस्टर ए का ना हो, फिर वापस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा न्यू पे क्लिक कर जाएंगे और पासवर्ड देते चले जाएंगे, जितना मर्जी उतना दे सकते हैं आप, देन अप्लाई करके ओके करें। अब अप्लाई करके ओके करने के बाद भी आप टाइप तो दोनों पे कर सकते हैं, एक्टिवेट आपका जो पासवर्ड जो दिया है मिस्टर ए का मिस्टर बी का, एक्टिवेट कब होगा, जब आप सीट के ऊपर पासवर्ड डालेंगे, सीट के ऊपर प्रोटेक्ट सीट, और यहां पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहां पे अलग पासवर्ड डाला, तीन पासवर्ड हो गए, देन ओके। अब देखिए मैं जो कलर एरिया है जो हमने डिसाइड किया है रेंज, उस रेंज के अलावा कहीं टाइप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही इस रेंज पे टाइप करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे मिस्टर ए का पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो मैं यहाँ मिस्टर ए के एरिया में काम कर सकता हूँ, बट इसके बाहर नहीं, और ना बी एरिया, बी के एरिया में, जैसे बी के एरिया में कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा, और मैं मिस्टर बी का पासवर्ड यहां डालूंगा तभी मुझे मिस्टर बी का करने देगा, अदरवाइज नहीं कर। समझ में आया आप लोगों को? इस पे पर जो विजिबल रहेगा दोनों को, कि ए वाला और बी वाले को आपस में विजिबल रहेगा कि वो पूरा अनविजिबल रहेगा? नहीं, विजिबल रहेगा। अच्छा, देख सकता हूँ पर, देख सकता हूँ पर मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। देखिए इसका यूज मैं करता था जब मैं श्री फाइनेंशियल के लिए कॉल सेंटर में था, तो वहां पे क्या दिक्कत होती थी कि मुझे मैं कलेक्शन सेंटर में था ना, जहाँ पे कॉलिंग का डेटा और कैश कलेक्शन होता था, तो सारा मैनेज करके मुझे मैनेज करना होता था। प्रॉब्लम क्या होता था कि कॉल सेंटर ने, टेलीकॉलर ने बात किया 10 कस्टमर से, 10 कस्टमर ने बोला ठीक है कल भेज दीजिए पैसा दूंगा। अब टेलीकॉलिंग ने 10 कस्टमर का डेटा भेज दिया किसको, कलेक्शन टीम को, जो फील्ड टीम है। फील्ड टीम ने क्या है कि देखा कि भाई एक कस्टमर क्या है कि बहुत दूर एरिया में है, एक के लिए हमें जाना पड़ेगा, हमारे ज्यादा तेल खर्चा हो जाएगा, तो उसने कस्टमर से बात किया कि बोला कि भाई आप, हम आपके पास हम कल आएंगे, बात समझ रहे हैं ना। अब कस्टमर और कलेक्शन के बीच में क्या हुआ, आपस में बातचीत हो गई। अब कलेक्शन ने क्या किया, उसका जो पीपीटी है प्रॉमिस टू पे डेट है वो चेंज कर दिया। अब एंड ऑफ डेट टेलीकॉलिंग टीम बोल रही है कि मैंने आपको 10 लोगों का डेटा भेजा, अगले दिन पैसा आया 9 का, अब मिसमैच हो गया। कलेक्शन टीम बोल रही है कि 9 का पैसा उठाया हूं, टेलीकॉलिंग टीम बोल रही कि नहीं 10 का उठाना था। अब दोनों आपस में झगड़ गए। अब मुझे दिन भर लगा उन दोनों का डेटा टैली करने में कि कहां पे गलती हुई है, तब बाद में पता चला कि कलेक्शन टीम ने डेटा चेंज कर दिया।
समझ गए। तो मैंने एक यूनिवर्सल फाइल बना दी जिसमें मैंने एक कॉलम रख दिया टेलीकॉलिंग के लिए, एक कॉलम रख दिया कलेक्शन के लिए। अब टेलीकॉलिंग का जो P2P डेट है वो कलेक्शन टीम चेंज नहीं कर सकती। कलेक्शन टीम का जो डेटा है, जो कॉलर है, वो हमारा टेलीकॉलिंग टीम चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों को मैं अलग अलग पासवर्ड दे दिया। अब समझ में आया सर? बट डेटा विजुअल जैसे देख सकता है, डेटा यूज कर सकता है, बट चेंज नहीं कर सकता। आगे बढ़े सर। हेलो जी। अब तो हमने सीट के अंदर जो भी सिक्योरिटी देनी थी हमने सीट के अंदर दे दिया, ठीक है सर। अब बात यहां पे आती है कि हम सीट को तो सिक्योर किए ही नहीं, जो कि कोई भी इजीली सीट को राइट क्लिक करके डिलीट मार सकता है। हम चाहते कि मैं सीट डिलीट हो, तो क्या करेंगे? यही रिव्यू के अंदर ही आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आप जो है अपना पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए, तो फिर कोई सीट को ना डिलीट कर सकता है ना इंसर्ट कर सकता है। आपकी कोई नई शीट इंसर्ट होगी ना नई शीट ना पुरानी शीट डिलीट होगी। समझ गए? करेक्ट करेक्ट। लेकिन फिर भी इस फाइल को कोई ओपन तो कर सकता है। अब मैं चाहता हूं फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड लगाना, कि कोई भी पर्सन बगैर पासवर्ड डाले फाइल को ओपन ही ना कर सके, कोई भी एनीथिंग, ठीक है सर। तो क्या करेंगे? अब इसके लिए दो ऑप्शंस है। अगर फाइल आपका बिल्कुल नया है, फाइल बिल्कुल नया है आपका, तो फाइल में यहां पे आपको सेव एज का ऑप्शन आता है। जब फाइल को सेव करते हैं, जहां पे नाम वगैरह देते हैं, वहीं पे आपको यहां टूल्स दिखेगा। टूल्स के जनरल ऑप्शन में जाइए और पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। ओके सर, दो अलग अलग पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं। एक पासवर्ड देंगे तो वो फाइल को ओपन कर पाएगा, दूसरे पासवर्ड से फाइल को मॉडिफाई कर पाएगा। अगर एक पासवर्ड मान ओपन पासवर्ड है, मॉडिफाई पासवर्ड नहीं है, तो वो उसके अंदर जो है सिर्फ ओपन कर पाएगा रीड ओनली में। लेकिन ये तो नई फाइल में कर सकते हैं, फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड फाइल होता है, हम नहीं चाहते उसको सेव एज करना, क्योंकि अगर फाइल को सेव एज करेंगे तो उससे जो लिंक फाइल है वो सारे टूट जाएंगे। तो उस केस में हम इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक में यहां पे दिखेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसमें आप डायरेक्ट इस फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डाल सकते हैं, फाइल को बिना सेव एज किए डिफरेंट नाम डिफरेंट लोकेशन से, ठीक है सर। एक बार प्लीज समझाएंगे ना सुजीत जी थोड़ा सा? आपको क्या समझ में आया बताएंगे? मैं वही चीज समझाता हूँ। नहीं, स्टार्टिंग से आपने जो बताया ना, एक बार वापस से रिपीट कर देंगे क्या पूरा पूरी पूरी क्लास को? नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट अभी जो देखिए, सिंपल से समझिए बात को। आप फाइल में ओपनिंग पासवर्ड डालना चाहते हैं ना? जी जी। तो अगर फाइल नया है या सेव एज कर रहे हैं, सेव या सेव एज कर रहे हैं, तो फाइल में जहां नाम वगैरह देते हैं ना, उसी के नीचे टूल्स दिखेगा आपको। ओके। टूल्स में जर्नल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड टू ओपन, दोनों पासवर्ड यहां डाल के कंफर्म करके ओके कर दीजिए, फाइल फाइल को सेव कर दीजिए।
फाइल में आपको दो पासवर्ड लग रही, एक ओपनिंग और दूसरा मॉडिफाई। अगर एक पासवर्ड नहीं है तो इसमें होगा रीड ओनली ओपन होगा, अगर मॉडिफाई पासवर्ड नहीं है तो। ठीक है, अच्छा। लेकिन इसके लिए फाइल को सेव करना पड़ेगा। लेकिन कोई पुराना फाइल ऑलरेडी सेव है और कई सारे फाइलों से लिंक है, आप सेव एज नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में फाइल को यहां हम इन्फो में जाएंगे ना, इन्फो के अंदर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये पासवर्ड तो ओपन होगा, तो ये नया फाइल बन जाएगा। नया फाइल नहीं सर, पुराने फाइल में ही पासवर्ड डाल देगा। अच्छा। जो ओपन फाइल है, सेव करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम आपके साथ बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे। कल कनेक्ट करेंगे सैटरडे के दिन। सर मौसम ठीक रहा तो जरूर करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टियां हो गई है ना सर, इसलिए।